Hey guys, it's me, your boy Craxing, and welcome back to my channel. Okay, so guys, आज का ब्लॉग है जो काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है कि आज का ब्लॉग पूरा का पूरा मेरी जो मैंने अपना वेट लूज़ किया है 62 से 52 वेट लूज़ किया है उस पर होने जा रहा है, क्योंकि मेरे काफ़ी रिश्तेदार वगैरह और काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे कहा कि तूने अपना इतना वेट कैसे लूज़ किया है। सो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा डिटेल में, और बस वीडियो में एंड तक बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। फर्स्ट जो है, हमें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए जो कि वेट लूज के लिए, फर्स्ट डाइट, सेकंड रनिंग एंड थर्ड एक्सरसाइज। ये तीन चीज़ों से ही आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो अच्छी तरह से। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कैसे किया, वैसे तो काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से अपना वेट लूज़ किया वो मैं आपको बताऊँगा। सो फर्स्ट बात करते हैं डाइट की। डाइट में हमें सबसे पहले जो डाइट हमें मतलब हाइजीन एकदम अच्छी लेनी है, ठीक है। सुबह उठ के सबसे पहले हमने पानी पीना है, वो भी 5-6 गिलास। अगर आप ज़्यादा फैटी हो आप 5-6 गिलास ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो आप 2-3 गिलास भी ले सकते हो, इससे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है। सो फर्स्टली आपको एक तांबे का जग होता है, उसमें आपको पानी भर के रात को रख लेना है और आपको सुबह उठ के पीना है, क्योंकि जो तांबे का जग होता है उसमें जो पानी होता है वो चार्ज हो जाता है और वो वेट लूज में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो फिर उसके बाद आपको सेकंड मील में लेना है। सेकंड मील में आपको आप कुछ भी खाने के लिए मतलब हैवी नहीं लेना, आपने जैसे पराठे वगैरह ये सब कुछ नहीं लेना, कभी कभी खा सकते हो, जैसे संडे वगैरह सैटरडे वगैरह ऐसे खा सकते हो आप, पर डेली नहीं खाना आपको, इससे आपको मतलब फैट नहीं लूज होगा। सो आपको सबसे पहले जो अपनी सेकेंड मील जो आपकी फर्स्ट मील स्टार्ट होगी खाने के फर्स्ट मील स्टार्ट होगी, वो तो पानी का लगना पहली बार। फर्स्ट मील जब आपकी खाने की स्टार्ट होगी तो आपको आप उसमें ले सकते हो, पोहा ले सकते हो, ढोकला खा सकते हो और हल्की चीज़ खा सकते हो, कोई जैसे आप कुछ भी मतलब हल्का एक कदम हल्का खा सकते हो, कोई ओट्स वगैरह खा सकते हो, और अगर आप आपका मन चाहे तो आप बनाना भी खा सकते हो आप, तो बनाना आपको मिल्क के साथ नहीं लेना, वो वेट गेन के लिए। इसके ऊपर मैं अगली वीडियो लाऊंगा अपनी, अगर आप कमेंट में बताओगे कि इसके ऊपर वीडियो लानी चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, इसके ऊपर वेट गेन, क्योंकि मैं भी अभी वेट गेन पे ही हूँ अपने, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी लूज़ हो गया है, 62 से मेरा 53 वेट हो गया, सो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और मुझे अपना वेट बढ़ाना, सो मैं भी अपना वेट बढ़ाऊँगा, तो उसके लिए मैं वीडियो लाऊँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कैसे मैंने अपना वेट नहीं मतलब अपना बढ़ाऊँगा, अपना मास गेन करूँगा। सो अभी हम चलते हैं आपके सेकेंड मील की तरफ। सेकेंड मील में आपको अपना लंच लेना है, थोड़ा सा हैवी लंच लेना है आपको, जैसे आप 2 या 3 चपातियाँ खा सकते हो और साथ में जैसे सब्जी हो गई, चावल हो गए और दही हो गया साथ में, ये आप खा सकते हो साथ में, ये आपके कैल्शियम दही आपके कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आप साथ में दही ले सकते हो। और रोटी तो आप 2 या 3 खा सकते हो, 3 से ज़्यादा ऊपर आपने नहीं खानी, ठीक है। सो ये हो गई हमारी सेकेंड मील की बात, और हम चलेंगे थर्ड मील की। थर्ड मील आपको ऐसा, आपको 6 बजे अगर आप खाते हो रात को रोटी तो आप 6 बजे से पहले खा रहे हो, वो भी आपको 1 या 2 चपाती खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, आप वो भी 6 बजे के पहले खाना है, उसके बाद नहीं खाना, क्योंकि उसके बाद डाइजेस्ट अच्छी तरह से नहीं होती, मैंने भी सुना है किसी से, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। वैसे अगर आप खाते हो तो आप खा सकते हो 6 बजे से पहले, उसके बाद मत खाना। अगर उसके बाद आपको भूख लगती है तो आप मिल्क पी सकते हो, दूध पी सकते हो, वो भी आप मतलब आपके पेट को सहारा देगा, उसका इतना कोई चक्कर नहीं होता, वो आप पी सकते हो, क्योंकि आपको रात को उसमें से काफ़ी प्रोटीन वगैरह मिल जाती है, ठीक है। सो ये बात हुई मेरी थर्ड मील की। अब हम चलेंगे अपनी रनिंग के ऊपर, रनिंग की बात कहेंगे। रनिंग आपको 2 टाइम करनी है, ठीक है। एक आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा रनिंग के, 2 तरीके, एक जो सिंपल रनिंग होती है और सेकंड जो हार्ड, मतलब जिससे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा लूज होगा, बहुत ज़्यादा, जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये ट्राई कर सकते हैं हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए हार्म हो सकता है ज़्यादा करने से। मैं तो वैसे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, जिनके नहीं फैट है वाले, जिनकी ज़्यादा फैट है वो ये कर सकते हैं ये, क्योंकि काफ़ी अच्छा तरीका है और चीप, काफ़ी चीप तरीका है, मतलब चीपेस्ट प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सिंपल रनिंग, सिंपल सुबह 6-5:30 इतने बजे जाओ, क्योंकि आप जब सुबह 6 बजे या 5:30 बजे जाते हो तो आपको जो सूरज की किरणों से जो विटामिन मिलती है वो आपके लिए वो आपके मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। सो आप सुबह 5:30 या 6 बजे के बीच बीच में जाओ ज़रूर, तो मैं भी इतने बजे जाता हूँ,
और रनिंग करके आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली पेट जाना है। हाँ, अगर आप कॉफ़ी मतलब पी सकते हो, पी के जा सकते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं तो पी के नहीं जाता। आप वैसे भागने जाओ, लंबा राउंड लगाओ, पूरा लंबा राउंड, मतलब आपको फास्ट रनिंग बिल्कुल नहीं करनी, फास्ट रनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी आपको, आपको एकदम मतलब धीमी धीमी मतलब जंपिंग थोड़ी जंप करके करके रनिंग करनी है, जिससे कि आपके मतलब स्टेमिना भी बढ़ेगा और आपका वेट भी लूज़ होगा। आपको घर आके आपको ना रात को जो ब्लैक चने होते हैं वो आपको भिगो के ना थोड़े से रख देने हैं, थोड़े से वो भिगो के रख देने हैं आपको, और सुबह उठ के आपको जब आप भागने जाते हो उसके मतलब उसकी थोड़ी मतलब भागने की थोड़ी देर पहले आप थोड़े से बिल्कुल थोड़े से वो खा के आपको भागने जाना है। उसके बाद भाग के आके आप मतलब कटोरी जो आपने रखी होगी उसको पूरी को खाना है आपने, जिससे कि आपको मतलब आपको मतलब कमज़ोरी बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब भागने की वजह से बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं अब हमें दूसरी बार रनिंग कब करनी है। दूसरी बार हम रनिंग करनी है, सिंपल रनिंग की बता रहा हूँ, अभी हैवी वाली की नहीं बता रहा। दूसरी रनिंग आपको करनी है यही 5:30 से 6 बजे शाम के, 5:30 से 6 बजे आपको इसमें भी सेम ही प्रोसेस करना है, सिर्फ चने नहीं लेने इसमें। इसमें आपको घर आकर जैसे फ्रूट वगैरह खा सकते हो, आपको चने नहीं लेने इस टाइम। आप भाग के मतलब यही सेम रूटीन, ये सेम है, मतलब सुबह भी यही टाइम है और शाम को भी यही टाइम है आपके भागने का। बस आपको सुबह ब्लैक चने लेने हैं, शाम को नहीं लेने। ठीक है, अब बात करें हैवी रनिंग की। हैवी रनिंग जैसे कि मतलब आपको मतलब वो इतना हार्मफुल नहीं है आपके बॉडी के लिए, क्योंकि अगर आप डेली करोगे तो हार्म है, अगर आप हफ्ते में 2 या 1 बार करोगे तो आपके लिए बिल्कुल भी हार्म नहीं है वो। सो मैंने भी एक बार ट्राई किया हुआ है, मैं भी भागने गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आया था। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फैटी है, बहुत ज़्यादा फैटी, ये उन लोगों के लिए सिर्फ। आपको करना क्या है, 1 10 kg का लिफाफा जो बड़ा होता है लिफाफा वो लेना है आपको, और 5 rupees वाली वैसलीन लेनी है। आपको करना क्या है, वैसलीन को हाथों पे लगा के जिस बॉडी पार्ट के ऊपर आपके जहाँ पर फैट है उस पर आपको लगा लेना अच्छी तरह से, जहाँ भी आपके फैट है वहाँ पर लगा के आपको पॉलीथीन डाल लेना है नीचे से कट करके, और आपको फोल्ड करके अंदर डाल लेना है। फिर आपको जाना रनिंग करने, वही आप 5:30 या 6 बजे बीच में, मतलब सेम रूटीन है, सेम टाइम ही है वही, मतलब टाइम और मतलब जो आपको खाना पीना है वो सभी सेम है, बस ये लिफाफे वाला चेंज काम हुआ। आपको भाग के भागना है, आके आपको करना क्या, आपको इस पोजीशन में बैठना है जिससे कि आपका पसीना और भी ज़्यादा निकलेगा, मतलब नीचे थोड़ा होकर बैठना है, आपका बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा उससे, तो उससे आपका मतलब गर्मियों में तो बिल्कुल ट्राई मत करना, गर्मियों में बहुत मतलब हार्म करेगा आपको। आपको सर्दियों में करना है, अगर सर्दियों में, ठीक है, अगर सर्दियों में करोगे तो आपको बेनिफिशियल है, अगर गर्मियों में करोगे तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी मेरी तरफ। तो बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आप जैसे मतलब हल्के एक्सरसाइज लगा सकते हो, जैसे जम्बल जैक्स हो गए और लेग्स क्रॉस पुशअप्स हो गए, लेग क्रॉस करके तो आपको साइड नीचे पुशअप लगाने हो गए, ठीक है, और स्टिल रनिंग हो गई, आपको खड़े खड़े तेज तेज भागना है वो हो गई, और आप पौड़ियाँ भी जो आपकी सीढ़ियाँ हैं वो भी चढ़ के उतर सकते हो, ये भी एकदम बेस्ट वे है पसीना निकालने का। बस भाई आपको पसीना निकालना है, और ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना वेट लूज़ में आपको कोसा या गर्म पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि या नॉर्मल पानी पीना पड़ेगा आपको, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, क्योंकि ठंडा पानी है वो फैट बनाता है और आप फैट चढ़ गया आपके शरीर पर और कुछ नहीं ठंडे पानी से। सो आपको ये भी चीज़ फॉलो करनी है कि आप जैसे खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको 1-1.5 घंटे तक पानी बिल्कुल भी नहीं पीना आपको बिल्कुल भी। सभी तो 1.5 घंटा रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं जैसे खाना खाता था तो मैं उसके 2 आवर्स बाद पानी पीता था इतनी देर बाद। तो आप जैसे हाफ़ अगर जिसको ज़्यादा मतलब प्यास वगैरह लगती है, जो नहीं सहन कर पाता, जो नया नया करता है, कई जो हैं वो पीते हैं बाद में पानी, और कई जो हैं नहीं पीते, उनके लिए स्टार्टिंग जैसे 1/2 आवर के बाद वो पानी पी सकते हैं, फिर धीरे 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 वो 1 आवर के बाद पानी पियेंगे, ऐसे ऐसे आप मतलब अपना चेंज कर सकते हो। क्योंकि जैसे आप मतलब खाने के बाद सीधा पानी पीते हो तो आपके जो मतलब अच्छी तरह से चीज़ कोई डाइजेस्ट नहीं होती, और आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको अच्छी तरह चीज़ नहीं लगती, और वो जो मतलब अच्छे तत्व होते हैं खाने के, बुरे तत्व होते हैं वो सभी बीच में रह जाते हैं, कुछ टूटता वगैरह कुछ नहीं होता। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1/2 घंटे या 1 घंटे के बाद पानी पी लीजिए, और साथ में बिल्कुल भी पानी मत पीजिए। अभी मैं अपने वेट गेन पे हूँ, मैं वेट गेन की भी वीडियो
अभी तो जस्ट मैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे पूछ रहे थे वेट लूज का, सो भाइयों के लिए वीडियो लाया और एंड हाँ मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर सीइंग माय न्यू एंड क्रेजी वीडियो. सब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ बाय. अरे हाँ कमेंट में बता के जाना कि अगली वीडियो किस चीज़ पे लाऊं, क्योंकि अभी वीडियो लाते रहेंगे रेगुलरली. सो कमेंट में बताना कि किस चीज़ पे अगली वीडियो लाऊं. सो चलते हैं बाय.